हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल कानून और आपके अधिकार में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें और साइड में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आर्य समाज में शादी कैसे करें। फ्रेंड्स, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसी से प्रेम करते हैं और उससे शादी करके अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताना चाहते हैं, पर किसी कारण से हमारे परिवारजन उस शादी के खिलाफ होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे दोनों का अंतर जातीय मीन्स इंटरकास्ट होना या फिर परिवार का लव मैरिज के कॉन्सेप्ट के खिलाफ होना। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी प्रेमी युगल जो एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, वो आर्य समाज से शादी कर सकते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में शादी के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। आर्य समाज मंदिर शादी कराते समय उन सारी शर्तों को ध्यान में रखता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो वो शादी इनवैलिड हो जाती है। अतः आर्य समाज शादी कराते समय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 की सारी शर्तों का ध्यान रखता है, जिसके कारण वो शादी वैध रहे। दूसरा, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 का सेक्शन 19 भी इसे वैधता प्रदान करता है। तीसरा, आर्य समाज से शादी संपन्न होने के पश्चात आर्य समाज द्वारा विवाह का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके बेस पे आप शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बहुत से लोग जो बाहरी आडंबर से दूर होकर परिवारजनों के साथ सादगी से शादी करना चाहते हैं, वो भी आर्य समाज मंदिर से शादी करते हैं। आर्य समाज मंदिर में प्रेमी युगल का विवाह मींस लव मैरिज, अर्जेंट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज सभी संपन्न कराई जाती हैं। आर्य समाज मंदिर में विवाह आर्य समाज पद्धति से हिंदू रीति रिवाज व कर्म कांडों से संपन्न कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि आर्य समाज मंदिर में शादी कैसे की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण शर्त का पूरा होना जरूरी है, मींस लड़के तथा लड़की का बालिग होना। मतलब लड़के की उम्र 21 साल तथा लड़की की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। और अब आप जिस शहर में शादी करना चाहते हैं उस शहर के आर्य समाज मंदिर में आपको जाना होगा और वहां जाकर आप अपने विवाह की डेट फिक्स कर लें। वहां पर फीस के रूप में कुछ धनराशि भी ली जाती है, जिसकी स्लिप आपको आर्य समाज मंदिर प्रशासन प्रदान करेगा। आप चाहें तो सेम डे भी शादी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आर्य समाज मंदिर में सप्ताह के 7 दिन विवाह संपन्न कराया जाता है, वहां कोई अवकाश नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाना जरूरी होगा। जैसे पहला, लड़के और लड़की दोनों के 4-4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा, लड़के लड़की दोनों के रेजिडेंशियल प्रूफ मींस निवास के प्रूफ, जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, लीज डीड, रेंट डीड। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा दो गवाह यानी कि विटनेस चाहिए, जिनके पास उनकी आईडी हो। साथ ही आपसे आर्य समाज मंदिर एक शपथ पत्र लेगा, जिसमें आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप दोनों सापिंड नातेदारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए हैं जो कि अनमैरिड हैं और ये उनकी पहली मैरिज है। बट अगर ये आपकी पहली मैरिज नहीं है
तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। अगर दोनों पार्टी में से किसी की शादी पहले हो चुकी है और दोनों में से किसी के लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको लाके देना होगा। और अगर दोनों पार्टीज में से किसी का पहले डिवोर्स हो चुका है तो उन्हें डिवोर्स की डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी भी साथ लानी होगी। फ्रेंड्स, अगर दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी फॉरेन सिटीजन है, यदि दोनों पार्टीज में से कोई एक नागरिक विदेशी है, फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है या उसके पास फॉरेन का रेजिडेंशियल एड्रेस है तो उसे वर्तमान में मैरिटल स्टेटस का सर्टिफिकेट या नो इम्पीडमेंट सर्टिफिकेट या कंसर्न्ड एम्बेसी से एनओसी और एक वैलिड वीजा लेके आना होगा। आर्य समाज में विवाह संपन्न कराते समय वीडियोग्राफी भी मंदिर प्रशासन द्वारा कराई जाती है, जिससे यदि भविष्य में कोई उस शादी की वैधता को चुनौती दे तो इन साक्ष्यों को दिखाया जा सके। और अंत में आर्य समाज मंदिर वर वधु को विवाह का सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आप चाहें तो इस सर्टिफिकेट के बेस पे अपनी शादी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी जानकारी वीडियो से रिलेटेड चाहिए है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर दें। थैंक यू।